मैं जॉयदीप गुलाटी सेंट पीटर स्कूल कक्षा 8वीं का छात्र हूँ। और ये मैं जैमन गुलाटी सेंट पीटर स्कूल कक्षा 5 का छात्र हूँ। आज हम आपके सामने डॉक्टर डे पर छोटा सा नाटक प्रस्तुत करने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर हूँ। जी नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्कार। अरे अरे अरे, मास्क लगाओ पहले। इसको नीचे क्यों किया? सैनिटाइजर लगाओ। तुम्हें नहीं पता कोरोना है? बैठो और बताओ तुम्हें क्या परेशानी है। जी डॉक्टर साहब, आजकल भूख नहीं लगती। भूख नहीं लगती? अच्छा, अपना नाम बताना। जी जैमन गुलाटी। और उम्र? जी 30 साल। अच्छा, नाश्ते में क्या खाया? जी बर्गर। बर्गर? अरे अरे अरे, भूख नहीं लगती। और लंच में? जी चाउमीन और पिज्जा। चाउमीन और पिज्जा? तुम्हें नहीं पता इसको खाने से सेहत खराब होती है। तुम्हारा मोटापा बढ़ेगा, इससे तुम्हारी सेहत को बहुत नुकसान होगा। आगे से ध्यान रखना, मैं दवाइयाँ लिख के दे रहा हूँ, उसको खा लेना। जी ठीक है साहब। ये लो, 2 दिन सुबह 2 दिन शाम। अरे अरे अरे, रुको, मेरी फीस। रुको, नीचे रखो। क्या करे, कोरोना है भैया। हमें उम्मीद है कि आप सबको हमारा नाटक अच्छा लगा होगा। धन्यवाद। मैं जयदरीपा सेंट पीटर कॉन्वेंट स्कूल कक्षा 10वीं की छात्र आज आपके समक्ष इस डॉक्टर दिवस पर एक स्वरचित कविता सुनाने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है भगवान का दूसरा रूप डॉक्टर। आज के इस कोरोना काल में जो सबसे पहले याद आए वो डॉक्टर ही तो होता है, वो डॉक्टर ही तो होता है। चिंता की कोई बात नहीं, सुन मन को सुकून मिल जाता है। बीमारी आदि भाग जाती, वो डॉक्टर ही तो होता है, वो डॉक्टर ही तो होता है। जन्म से लेकर मृत्यु तक जो साथ निभाता है, छोटे छोटे बच्चे को उसके इलाज पर छोड़ आदमी निश्चिंत हो जाता है। वो डॉक्टर ही तो होता है, वो डॉक्टर ही तो होता है। उसके आगे हर कोई बराबर होता, ऊंच नीच जात पात का ना कोई बंधन होता। अपनी पूरी ताकत वैज्ञान लगाता, मर्ज अच्छा हो जाए तो तमाम दुआएं वो पाता। ईश्वर के भेष में वही हमारा साथी है, जीवन बचाने वाले का धन्यवाद करना हमारी जिम्मेदारी है। डॉक्टर का सम्मान करना हम सबकी जिम्मेदारी है, डॉक्टर का सम्मान करना हम सबकी जिम्मेदारी है। धन्यवाद। नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर खुशी जावर है। मैं एक जनरल फिजिशियन हूँ और मैं प्रैक्टिस 10 साल से कर रही हूँ। ये लीजिए, ये दवाई दिन में 2 बार लेनी है और ये 1 बार। धन्यवाद। हेलो, हाँ मैं डॉक्टर बोल रही हूँ, आप कौन? हाँ हाँ, कल सुबह आप 10 बजे तक आ जाइए। हाँ ओके बाय। नर्स अगले पेशेंट को भेजो। नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्ते। अरे अरे, मास्क पहनो और सैनिटाइजर लगाओ।
बताइए आपको क्या परेशानी है। अरे एक मिनट, मुझे सेल्फी तो लेने दो, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम स्टेटस पे भी तो डालना है #clinic। अब बताइए क्या हुआ आपको। मेरे दांत में बहुत दर्द है, कुछ खा पी भी नहीं पा रही हूँ। अपना मुंह खोलिए। आपके दांतों में कीड़े लग चुके हैं। नाम बताइए आपका। जी हर्षिता। कल आपने मीठा कुछ खाया था? हाँ खाया तो था, लेकिन कम ही खाया था। सुबह 5 रसगुल्ले और रात को 4 गुलाब जामुन और काजू कतली और चॉकलेट्स में सुबह 4 चॉकलेट और रात को 10 चॉकलेट। आपको पता नहीं ये सब चॉकलेट और मिठाइयाँ हमें कम खानी चाहिए, खाइए पर थोड़ी कम। इस दवाई को दिन में 2 बार ले लेना और इसको दोपहर में 1 बार। अगर तभी ठीक नहीं हुआ तो फिर मंडे को आ जाना, ठीक है? ठीक है डॉक्टर साहब। इस दवाई को दिन में 2 बार ले लेना और ये पेपर ले लीजिए और इस दवाई को दोपहर में 1 बार ले लीजिएगा। धन्यवाद। नन्ही सी हंसी भोली सी खुशी फूलों सी वो बाहें भूल गए, जब देश ने दी आवाज हमें हम घर की राहें भूल गए। हम सोए नहीं कई रातों से, जाने वतन सा चांद बुझे, हमें नींद उसी दिन आएगी जब देखेंगे आबाद तुझे। तेरी नदियों में